नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज राजस्थान। डीएसपी जितेंद्र आंचलिया वाला केस तो आपको याद ही होगा। फिलहाल तो वैसे साहब जमानत पर बाहर हैं, लेकिन बदमाशों द्वारा गवाहों को धमकाने का खेल शुरू हो चुका है और अगर पुलिस ने समय रहते इस पर कार्यवाही नहीं की तो कहीं कोई बड़ी घटना ना हो जाए। पूरा मामला सभी को पता है, किस तरह से एसीबी ने डीएसपी जितेंद्र आंचलिया पर कार्यवाही की, किस तरह से उन्होंने एक एनआरआई को धमकाया था और उस एनआरआई नीरज पुरबिया ने सीबीसी पर आकर खुलकर रिश्वत के पूरे मामले को खोल कर रख दिया था। अपनी आप बीती बताते हुए उन्होंने बताया था कि कैसे उनको अपनी जमीन के लिए पैसे देने पड़े थे और इस पूरे रिश्वत कांड के सिरमौर बने थे निलंबित डीएसपी जितेंद्र आंचलिया। जी हाँ, ये बात आज दोबारा लेकर आने का भी एक कारण है। निलंबित डीएसपी जितेंद्र आंचलिया के खिलाफ 23 जून को गवाह को धमकाने का मामला उदयपुर के सुखेर थाने में दर्ज हुआ है। एफआईआर में बताया गया कि दो बदमाशों ने गवाह को धमकी देते हुए इस मामले से दूर होने के लिए कहा। जिस स्थान पर धमकी दी वहां उसके साथ धक्का मुक्की भी की गई। उदयपुर के सुखेर थाने में शुक्रवार शाम को दर्ज एफआईआर में अमृत नगर बड़गांव निवासी राधा कृष्णन पुत्र आनंद नारायण अय्यर ने पुलिस को बताया कि वह शुक्रवार को सवेरे 8 बजे रोजाना की तरह अमरख जी मंदिर दर्शन करने गया था और जब वो वापस लौटा तब हाईवे से पहले दो लड़के मोटरसाइकिल पर आकर गाड़ी के आगे उनकी गाड़ी लगा दी। रिपोर्ट में अय्यर ने यह भी बताया कि दोनों लड़कों ने कहा कि डीएसपी जितेंद्र आंचलिया और नारायण सिंह के मामलों से दूर हो जाओ, वही आपके लिए ठीक रहेगा, नहीं तो मुझे मारना पड़ेगा। इसी दौरान पीछे बैठे लड़के ने बाइक से नीचे उतर कर धक्का मुक्की की। धमकी देते हुए उन दोनों बदमाश लड़कों ने 3 दिन का समय दिया और कहा कि आंचलिया के भाई से या नारायण सिंह से मिलकर समझौता कर ले और इधर जमीन की तरफ आना भी मत, किसी भी मामले में गवाही या बयान न देने की धमकी देते हुए जान से मारने की धमकी दी। अय्यर ने कहा कि उसे पिस्टल भी बताई गई। जिस बाइक पर आरोपी आए उसके नंबर प्लेट तक नहीं थी। सुखेर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर मामले की जांच सहायक उप निरीक्षक निर्मल कुमार को सौंपी है। उल्लेखनीय है कि रिपोर्ट देने वाले अय्यर डीएसपी जितेंद्र आंचलिया के एसीबी वाले प्रकरण में मुख्य गवाह है और उससे संबंधित प्रकरण में अभी जांच चल रही है। तो यह है पूरा मामला। अब पुलिस को चाहिए कि एक इतना हाई प्रोफाइल केस है और उसमें केस से छेड़छाड़ की, गवाहों को धमकाने की या फिर सच्चाई सामने ना आ जाए इसलिए किसी को जान से मार डालने की कोई बदमाश धमकी देता है तो इस पूरे मामले में पुलिस की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि सिस्टम को अपने ही नुमाइंदे के खिलाफ जांच करवानी है या कार्यवाही करवानी है। पुलिस के ऊपर न्याय और नैतिकता की दोहरी जिम्मेदारी है। अब आने वाला समय ही बताएगा किस हद तक राजस्थान पुलिस ये जिम्मेदारी निभाती है, क्योंकि गलत गलत ही होता है फिर चाहे वो कोई भी हो। आमजन में विश्वास और अपराधियों में डर का अपना ही नारा पुलिस कितना सशक्त बना पाती है।